राम पे संदेह पाप है कि नहीं? जवाब दो। आज हर घर में 40 चोर बैठे हुए जो राम पे संदेह करते हैं। राम पे विश्वास करने वाले घर घर में अब कम है, राम पर अविश्वास। अरे क्या होगा उस देश का जिस देश में राम पर संदेह, रामायण पे संदेह किया जा रहा है? किया जा रहा है कि नहीं? जवाब दें। कर रहे हैं ना? कौन है वो लोग? राम पर संदेह रावण करता है, जटायु भी राम से प्यार करता है। ऐसी मति पक्षियों से भी बदतर है जो राम पर संदेह करता हो, वो जटायु धन्य है जो राम को जानता है और राम पर प्राण न्योछावर करता है। धिक्कार है उस विचारधारा के लिए जो राम को न जान पाए। हे सनातनियों, भाग्य जग रहा है हमारा, 22 जनवरी को राम आ रहे हैं अयोध्या। जरा खुशी की सेनाई बजाओ, राम जी आ रहे हैं। हाथ करके ताली बजाओ। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे तो अयोध्या में मंगल दीप घी के दिए जलाए गए थे, पूरी अयोध्या को सजाया गया था। वो 14 वर्ष का वनवास था। ये 14 वर्ष का वनवास नहीं है, ये 500 वर्ष का वनवास है। 500 वर्ष का वनवास है सनातनियों, समाप्त होने जा रहा है। श्री राम। अरे जरा ऐसी जोर से बोलो लंका तक आवाज जाए। जय श्री राम। एक और बात बताएं, पहले तो समुद्र पार थी लंका, अब तो कई लंकावासी देश में भी रहने लगे हैं। पर घबराओ नहीं, लंका में भी राक्षस खुश नहीं थे और खुश तो यहां भी नहीं होंगे जो लंका में वाले आचरण जो यहां करते होंगे। लेकिन वाकई ये बहुत आनंद का वास है, विषय है। भगवान श्री राम 500 वर्ष से भी ज्यादा वनवास काट के अयोध्या आ रहे हैं। एक और बात ध्यान रखना, एक का वनवास कट रहा है और एक का वनवास अभी भी जारी है। 450 हो गए हैं वर्ष, अभी भी कृष्ण वनवास में ही हैं। भूलना राम के आने की खुशी में, मेरे कृष्ण को मत भूल जाना।
मेरे कृष्ण का भी मंदिर भव्य दिव्य सनातनियों की इच्छा अनुसार मथुरा में बनना चाहिए, ये याद रखें। बिना बने तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, बनेगा तो वो भी। कोर्ट ने शुरुआत तो कर दी, जांच तो करो, है क्या? और जांच जब होगी ना, हम तुमसे सच्ची सच्ची कहते हैं, सारे खाली ढोल की पोल खुल जाएगी और वहां सनातन दर्शन देगा, उस ईदगाह में भी दर्शन देगा।